अपना नाम बता के बताइए। देवा शंकर कुमार, पाली जिले से हूँ। यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इतनी पहली बार इतनी व्यवस्था की है कि बिल्कुल फ्री अभ्यर्थियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचा रही है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। परिवहन विभाग ने क्या प्रयास किए और आपको किस तरह की कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई? दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं, कैसा रहा एग्जाम वगैरह? हम तो बाड़मेर से आए हैं, बहुत बढ़िया रहा। ईएसटीएन और पेपर इतना सरल था, मतलब जैसा सोचा था पहले स्तर से, ये बहुत अच्छा है और इसके हिसाब से लगता है कि अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ से आए? हम बांसवाड़ा से। किस तरह की तैयारी की राजस्थान सरकार ने बच्चों को लेकर? नहीं, ये सही था, ऐसे ही पेपर बने तो हर बच्चा है ना उम्मीद के साथ ये रीट के एग्जाम दे सकता है। हाँ सर, अपना नाम बता के बताइए। नीरज जोशी नाम है। पेपर मुकाबले में बहुत थोड़ा लेवल लो था इस बार, और उम्मीद ज़्यादा थी कि अच्छा पेपर आएगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया। थोड़ा सा लेवल फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का तो और भी ठीक था, लेकिन फर्स्ट लेवल का तो थोड़ा सा और लो लेवल था। आप कहाँ से आए हैं? और बांसवाड़ा से आया हूँ और यहीं पर ठहरा हुआ, कल से आया हुआ था। सरकार की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? जैसे बसें निःशुल्क करी वगैरह, बहुत बढ़िया काम किया वैसे तो। ये हर जगह से आजकल क्या है कि समाज वगैरह हर एक्टिव हर मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें मदद के लिए हर सब लोग तैयार है। आम जन से लगाकर सरकारी अफसर तक हर व्यक्ति हमारी मदद की है, और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कोरोना काल में जो कि इतना अच्छा कार्य हुआ है, ये एग्जाम बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत शानदार काम किया। एक लंबे समय के बाद रीट की परीक्षा हुई है, बहुत बढ़िया है और हम शुक्रगुजार करते हैं।